नैनीताल जिले के नवनियुक्त SSP प्रीति प्रियदर्शनी ने आज हल्द्वानी पहुंचकर यातायात जागरूकता रैली का शुभारंभ किया, साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। SSP प्रीति प्रियदर्शनी ने बताया कि कानून व्यवस्था बहाल करना और साइबर क्राइम पर रोक लगाना, इसके अलावा नशे पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाना विशेष रूप से उनकी प्राथमिकता में होगा। शाही रहेगा क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे युवाओं में जो है नशा अपनी पैंट बनाता जा रहा है। दूसरा, यहाँ से जो है नशे का जो सामान है, स्मैक हो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो है, ऊपर पहाड़ों में भी जा रहे हैं, तो नो डाउट यहाँ से नशा जो है ऊपर भी लोगों को कंटामिनेट कर रहा है, जनरेशन को ख़राब कर रहा है। तो मेरा फोकस जो है नशे के खिलाफ रहेगा, साथ ही साथ महिला सुरक्षा पे मेरा खास ध्यान रहेगा। और इसके अलावा जो है मैं देखती हूँ कि हल्द्वानी में ट्रैफिक की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है, तो हम ये चाहेंगे कि हम ट्रैफिक पे कुछ काम कर सकें जिससे जो रोज़मर्रा का जो ट्रैफिक अटक रहा है उसको हम थोड़ा सा रिलीज़ कर सकें और ये डेली की समस्या ना बने।